Hi Brett, what's up? Myself, Abhishek Bansal from Mumbai. I take law and audit at final and inter. आज का जो सेशन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। छोटा सा एक ये सेशन लेकर आया मैं, बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट जो फाइनल से आया है लास्ट वीक, लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज, बोले ना टेकन अ बैक कि सर मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। The reason or the logic what we talk about here is first you need to understand that you have flunked. I would not say word flunked, failed. No, I would not say that too. The only thing is my success is delayed. My success is delayed. Now you need to accept that you could not make this time, but yes, you at the same time you need to make yourself realize that you will make it in the next time. And that is your last attempt. The session for today, I'll be talking only on respect to one subject, that's audit. Market mein bahut hawa hai, bahut bahut zyada hawa hai, bahut dar hai. Specifically, the big teachers, not to be named on a platform, but yes, dar ka mahol hai, kyunki dar hai, tabhi to dhanda hota hai. Dar kahe to dhanda hota hai. Dar. The reasons for people getting flunked in audit is number one, they do not remember or mug up the answers. मतलब rectification नहीं हो रही है। I know कि हम पूरा चीज याद नहीं कर पाएंगे, but कुछ चीजें तो हम याद कर सकते हैं ना। I can't be master of all the 26, 27 chapters in my teacher का book, but I can be master at least 18, 20 chapters. क्यों? क्योंकि उसमें changes तो होते ही हैं, कुछ भी वो तो हम कर सकते हैं ना। Half of the India रीड कर रहा हूं मैं ऑडिट, सर रीड कर ली, तीन महीने तक रीड की मैंने, सर तीन बार रीड की सर मैंने एग्जाम के दिन, ठंडन गोपाल कुछ याद ही नहीं है। यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रेटिफाई। अरे बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट था ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट, आज कुछ भी शायद याद दूंगा, खाली मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, औरंगजेब, शिवाजी, किंग आर्थर, किंग लूथर, ये वो 1-2 बराबर धुंधला धुंधला याद होगा। सिविक्स, ग्राम पंचायत पर था ना, पढ़ के पास हुए ना, क्योंकि वो पास होने की जरूरत था, याद करना पड़ेगा। डोंट रिमेंबर द एंटायर 26-77 चैप्टर, बट मे बी 22-20 चैप्टर हम लोग याद कर सकते ना। पीयर रिव्यू अमेंडेड है, कारू अमेंडेड है, आने वाले पक्का पेपर में, पीएसयू ऑडिट, पीएसयू ऑडिट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर अपना सीएफएस वाला चैप्टर हो गया, पीएसयू ऑडिट वाला हो गया, ये सब रैप चैप्टर, रिस्क असेसमेंट चैप्टर, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर, नो चेंजेस, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन। अरे याद करो, लिख के प्रैक्टिस करो, स्क्रिबल करो, मम्मी को दिखा दो, घर पे कोई बड़ा हमको ओरल एग्जाम ले, मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम सोचे कि पहले 15 दिन पढ़ के हम ऑडिट पास हो जाएंगे, अबे एफआर पढ़ा 4 महीना, एसएफए पढ़ा 3 महीना, ऑडिट पढ़ोगे 15 दिन, और वहां जाके फिर टीचर को, एग्जामिनर को, इंश्योर के पूरे मां बहन की गाली दोगे। पहले खुद तो देखो, व्हाट आर यू डूइंग इट, यू नीड टू रिमेंबर, दे डू नॉट रिमेंबर, यू आर गेटिंग फ्रॉम फॉर श्योर। नंबर टू, एक्सेसिव डिपेंडेंस, और आई वी से फ्योर ऑफ एसेस। अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता, मैंने इतनी वीडियोस बना दिए होंगे, इतनी बार बता भी दिया, रिजल्ट्स भी दिखा दिया, समझा भी दिया, अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता कि पेपर 120 मार्क का होता है, 118-120 मार्क्स, राइट, एसेस 25-30 मार्क्स, 35 मार्क्स हद पर, ऑन 120 80-85-90 मार्क्स, तो कुछ और है ना, कुछ और है ना। अरे वो कर लो ना, वहां तो 45 आ जाएंगे, तुमको तुम्हारे कमर के साइज का मार्क्स आया 32, परफेक्ट, उतना है, किसी को 24 उतना है, क्यों? अरे सर ऐसे ऐसे करा दे सर कोई बात, अरे कितना कर लोगे ऐसे, 36 स्टैंडर्ड्स है, तुम कितने भी बेस्ट टीचर से इंडिया से पढ़ लीजिए, आपने 10 बार रिविजन भी कर लोगे, तो भी यू विल फॉलो नरेंद्र मोदी कॉन्सेप्ट, मन की बात। बी स्मार्ट, पीपल हु हैव नॉट वॉच माई वीडियो ऑन स्टैंडर्ड्स, मैंने अपलोड किया हुआ है उसको, ये लो एवरेज मार्क्स पिछले 6 अटेम्प्ट के, मई 19 18 मार्क, नवंबर 19 23 मार्क, 20 में 34 मार्क्स का था, 21 में 24 मार्क का आया, जुलाई में 25 मार्क का आया, दिसंबर 21 में 19 मार्क का आया, मैं कहता हूँ 5 मार्क स्टैंडर्ड्स होंगे हर एक में ऐड कर लीजिए, एक मेन क्वेश्चन ऑप्शन में निकलता है, आइडियली 20-25 मार्क का मैं कह रहा हूँ ना, 25 मार्क, पेपर 118 मार्क का है मेरा, 118-120 मार्क का आ जाता है कभी कभी, तो मेरे को 118 में से 25 मार्क 30 मार्क स्टैंडर्ड्स होगा ना, 80-85-90 तो कुछ और होगा ना, तो मैं वो करके जाऊं ना, पर वो भी नहीं करना है मेरे को।
एक्सेसिव फियर डिपेंडेंस ऑन स्टैंडर्ड्स, अरे पागल हो, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, देख लीजिए मतलब क्वेश्चन नंबर मार्क्स है लिखा हुआ है, यू नीड टू बी स्मार्ट। हार्ड वर्क गधे भी करते हैं, पर तुमको पता घड़े में गधे, घड़े नहीं गधे, गधे में और घोड़े में क्या डिफरेंस है, हम रेस के घोड़े, हमको आगे दौड़ना, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू, सामने नहीं टेढ़ा, यहाँ 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 घोड़ी क्या करें, हमको सामने नहीं होती, यहाँ देख के चलता है हमेशा, टेढ़ी होती है घोड़ी की आंख, हमको घोड़ा बनना है, हमको जैसा लोमड़ी बनना है, चालाक बनना है हमको, अरे जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा ना, पीपल हैव गॉट अटेम्प्ट मे बी 1 or 2, 3, 4 बिकॉज ऑफ ऑडिट मे बी, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शायद आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है स्टैंडर्ड में, रिटेंशन जीरो, रिटेंशन जीरो। नंबर थ्री, इग्नोरेंट अबाउट मॉड्यूल आरटीपी मॉक पास्ट पेपर्स, अरे सर हमारे सर की बुक है सर, बड़ी महंगी बुक है, 1500 रुपए की बुक है, उड़ते हुए चार्ट है सर, कलर बुक है सर, हैंड रिटन बुक है सर, ये बुक वो बुक, चार चार पांच पांच बुक देके उनके इतने बड़े चार्ट है, दीवारों पे चार्ट लगा दिए मैंने, चार्ट रहा मैं उसको बैठ के, वाह मैडम वाह, स्पाइडरमैन की तरह क्रॉल करते मैं पढ़ा, भाई आईसीआर की मॉड्यूल से वही तुम्हारे सर ने बुक बनाई होगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सॉल्व आईसीआर मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन, हर चैप्टर के पीछे 8-8, 10-10 क्वेश्चन है, माना कि आपके सर ने कवर कर दिया होगा, पर मई 22 में मॉड्यूल चेंज हुई है, शायद एक क्वेश्चन रह गया होगा उनसे, आई एम नॉट सेइंग कि डेलिबरेटली रह गया होगा, पर शायद मतलब रह गया होगा, मैं रिस्क क्यों लूं मेरे जीवन का, कर लूंगा ना मैं, आधा घंटा लग जाएगा सर, एक घंटा लग जाएगा, कर लूंगा ना मैं, एक घंटा कम सोचाऊंगा, इस अटेम्प्ट की जो आरटीपी है वो मई 22 वाली आरटीपी, मॉक पेपर जो आएंगे मई 22 वाले वो, एंड पिछले चार अटेम्प्ट के पेपर्स, पिछले चार अटेम्प्ट के पेपर्स, प्लीज सॉल्व 4 अटेम्प्ट पास्ट पेपर्स, 2-3 तो घर पे पड़े होंगे, ठीक है, टीचर का सोल्यूशन नहीं चाहिए, आईसीए का सजेस्टेड चाहिए, आईसीए का सजेस्टेड। ओ लैक ऑफ राइटिंग, सो हम लोग टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, अब स्कीम आने ना, वैलेंटाइन ऑफर गया भी, 1-on-1 free, आपके से गर्लफ्रेंड फ्री, 48 रुपीज पर टेस्ट, पर डे टेस्ट, पर चैप्टर टेस्ट, अबे पागल जैसे बातें मत करो, क्या है वो टेस्ट वाले भी पेपर तुम अगर ढंग से बैठ के निकालोगे ना, वो पेपर कौन निकाल रहा है, आईसीए के जो पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 लिया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 लिया, मई 19 का कोई लिया, मई 20 का एक लिया, आरटीपी बना में से ले लिया, बन गया पेपर, आओ बच्चा रुक चुके, अबे कुछ नहीं है, पास पेपर ये सारे, यू थिंक द आईसीए की जो एग्जामिनेशन कमिटी से भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग टेस्ट सीरीज वाले बैठे, उनको लिखने का ना, पास पेपर पढ़े हैं, मॉक पेपर पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े वहां पर, सजेशन भी पढ़े, दोनों का प्रिंट निकालो, क्वेश्चन पेपर से देखिए आप आंसर लिखे, वो सेम स्लॉट में 145 को मम्मी को बोलो, भाई को बोलो, बहन को बोलो कि मुझे पेपर दे दीजिएगा, 145 शॉर्ट एंटी 5 o'clock, जैसे पेपर खत्म होता है उसका जो भी आपने लिखा है वो, अलॉन्ग विद सजेशन, घर पे कोई बड़ा है उनको, नेबर, कोई स्कूल में कोई टीचर थी, कोई ट्यूशन टीचर थी, ऑफिस में कोई कलीग है, कोई दोस्त है, कोई सीनियर है, मैनेजर है, उनको बोलो मैंने फोटो खींच के भेज दीजिए, या मेरा एक बार पेपर चेक कर लेना यार, लिखने का है ना तुमको, लिख लो ना तुम खुद से, लिख लो ना तुम, कोई तो होगा चेक करेगा, एक पेपर तो लिख के देखो कैसा होगा, जंग लड़ने चले तलवार चलाने आती ही नहीं, पता नहीं तलवार कैसे निकालते, अटक जाओगे ना भाई, दुश्मन उड़ा देगा तुमको सीधा। स्मॉल चैप्टर इग्नोरेंस, स्मॉल चैप्टर इग्नोरेंस, PSU, CFS, CARO, peer review, automated environment, fix है, आता ही है, फिर नहीं करते गए, ट्रेंड है, हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं, ट्रेंड है, नहीं करके तो फेल हो ना आपसे। टू मैनी बुक्स, स्टैंडर्ड पूरा इंडिया एक चेकी बुक से करता है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को पता है उनका आ गया, एक दो चैप्टर हम छोटे लोग हैं, हमारी कोई बुक से पढ़ लेगा, ठीक है, कोई और चैप्टर, कोई और टीचर से, ठीक है, कोई कोड वोड लगा के कोई दूसरा टीचर से कोई अलग चैप्टर कर लिया, उनके मटेरियल टेलीग्राम पे, कोई किसी का मटेरियल, सब अपने पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड के तो कम से कम 5-6 नोट्स अपने पास, हैंड रिटन नोट्स अलग है, चार्ट नोट्स अलग है, सुपर रिविजन अलग है, सुपर क्विक रिविजन अलग है, रिविजन अलग है, चार्ट अलग है, हैंड रिटन अलग है,
सब 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 होना चाहिए, पढ़ना एक भी नहीं, पढ़ना एक भी नहीं। आफ्टर अपियरिंग फॉर SFM पेपर, आफ्टर अपियरिंग फॉर SFM पेपर यू हैव ओनली 1.5 days, ओनली 1.5 days। इफ यू हैव गट्स इन योर बम टू रिमेंबर एवरीथिंग, टू रिवाइज एवरीथिंग, एवरी बुक, एवरी टीचर, एवरी एजुकेटर, देन स्टडी टुडे द सेम थिंग। 24 घंटा मिलता है इफेक्टिवली आफ्टर अपियरिंग फॉर SFM, क्योंकि आप जाओगे एग्जाम देकर आओगे 5 बजे आओगे, 5 बजे तो पेपर खत्म, घर पहुंचोगे 6:30-7 बजे का, 3-4 घंटा उस दिन का। फिर आपको सोचा होगा नेक्स्ट डे का करीबन 12-15 घंटा मिलता है, और जिस दिन बैठे तो उस दिन 4-5 घंटा, तो इफेक्टिवली 24 आवर्स है मेरे पास। 26 चैप्टर्स है जनरली, हर ऑथर के बुक में 26 चैप्टर मिलेंगे। 10-10 किताबें लेके समझेंगे नहीं कहाँ से क्या पढ़ने गए, कहाँ से क्या पढ़ने गए, ठीक है। पक्का फील, अगर 10 बुक लेके बैठे तो पक्का फील होगा यार, मैक्स 2। एक आपका जो भी ऑथर जो भी टीचर का पढ़ो वो, दूसरा ICAI स्टडी मटेरियल, दैट्स इट। दोनों लेके चलो बहुत है, यहाँ टीचर की बुक से पढ़ लिया, ICAI की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आई एम एट पार। टीचर की बुक से करा, अगर टीचर की बुक में करा दी क्वेश्चन कट, पर मॉड्यूल में शायद एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो मुझे करना पड़े। टू मेनी एडवाइसेस, बाबा लोग बैठे अभी तो आजकल तो क्या हो गया, फ्री बैठे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, चलो ज्ञान देंगे अपन, ज्ञान देंगे ऑडिट को, हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट। 4 अटेम्प्ट लगे भाई को, 6 अटेम्प्ट लगे ज्ञान, 1 नंबर अभी अभी से बने ध्यान, खुद के लगे पड़े थे 4-6 महीने पहले, क्या है पास होकर ज्ञान तो देना बनता है ना, ज्ञान तो देना बनता है भाई, ऐसा कर तो ऐसा कर। बॉस यू नो योर फोर्टे, यू नो कि आपका कारो बेटर है, कंपनी ऑयल बेटर है, आपका पीई बेटर है, यू नो इट राइट, ही और शी डजंट नो इट, यू नो टू अंडरस्टैंड। एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, अपने जिंदगी की बाकी भी एग्जाम अकेले दिए ना जाके, तब तो कोई ज्यादा ज्ञान वान नहीं था, क्यों इतना ज्ञान है, क्यों, बिकॉज आपके पास एक्सेस है बहुत सारी चीज़ों, टेलीग्राम एक्सेस है, इंस्टाग्राम एक्सेस है, यूट्यूब एक्सेस है, बस अपने को देखने का है, दिमाग में कन्फ्यूजन हो गए ना फिर तो। आप मैं नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करो या एक्स को फॉलो करो, वाई को फॉलो करो, आप खुद को फॉलो करो, आप खुद को फॉलो करो। हाँ एज अ टीचर हम आपको चीज़ें छोटी करके देते, शॉर्ट करके देते, जिससे आपका टाइम बचे वो रिविजन के टाइम पर। आपको पता होगा अभी 25 में से आपका कोई ना एक चैप्टर फेवरेट होगा, उसको आप अच्छे से करोगे राइट, कोई चैप्टर वीक होगा उसको आपको करना पड़ेगा, तो आपको खुद ही कोई पता ना, मेरे को तो नहीं पता ना, वो टीचर को तो नहीं पता, वो एडुकेटर को तो नहीं पता राइट, वो जो ज्ञान दे रहे बाबा लोग उनको तो नहीं पता। सो मेरे लाइब्रेरी वाले भैया ने कहा है कि स्टैंडर्ड्स करके जाओ क्योंकि वो आता है, अरे लाइब्रेरी वाले भैया को खुद को 10 अटेम्प्ट लग चुके हैं, वो बाबा है बाबा, ऐसे लोग और लोगों को अपने अंदर लेते, आओ मेरे शिष्य, आओ मेरे शिष्य, फेल हो ना पक्का, पक्का फेल हो। टू मैनी एडवाइसेस, मैं तो हमेशा मानता हूँ टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप, पक्का है पक्का है। नंबर 8, लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ रिविजन। आइडियली जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा 1 महीना लगा होगा, अगर आप फ्रेशर तो आपने पढ़ लिया होगा, आप रिपीटर तो पहले पढ़ के आ चुके, अभी सेकंड रिविजन 15 दिन में चाहिए मुझे, थर्ड रिविजन 7 दिन में चाहिए मुझे, फोर्थ रिविजन मतलब फर्स्ट टाइम तो मैं पढ़ रहा हूँ 1 महीने वाला, तो फर्स्ट रिविजन 15 दिन, सेकंड रिविजन 7 दिन, फिर थर्ड 3 दिन, फिर एग्जाम के लिए 1.5 दिन, 1.5 days। जब मैं इतना सोचूंगा ना शायद मेरा ये अचीव हो जाएगा, शायद मेरा ये अचीव हो जाएगा, शायद ये अचीव नहीं होगा, बट जब मैं 3 सोचूंगा तब जाके मैं 2 बार रिवाइज होगा। अंडरस्टैंड, आप FR पढ़ते हो 3 महीना, जान लगा देते तो भी 55-60 आता है, 100 नहीं आता किसी को। SFM में मैं कहता हूँ 90-85 आ जाते लोगों को, पर हर एक को तो 90-85 नहीं आता राइट। तो द क्वांटम ऑफ एफर्ट्स वी पुट इन FR एंड SFM इज इनवर्सली वेरिएबल टू द ऑडिट एफर्ट्स। अंडरस्टैंड इट्स इंग्लिश, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, रिविजन करनी पड़ेगी जितनी हो। नहीं स्कैरी अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स आर स्कैरी भाई, कुछ नहीं हो, कभी भी पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज होगा आपको कहीं ना कहीं न्यूज आ जाती है, क्या है इक्का दुक्का अमेंडमेंट, जैसे कारों में चेंज आ गए, कारों को अमेंडमेंट दिए, बेसिक तो सेम है ना, खाली कारों के जो पॉइंट्स है वो चेंज हो गए, मतलब 16 में से 12-13 रह गए, 5-6 नए आ गए, वहाँ पीयर रिव्यू में डेज में चेंजेस, ठीक है, प्रोफेशनल में माइन्यूट थोड़ा बहुत चेंजेस। अभी RTP आ जाएगी, जैसे RTP आएगी मैं यूट्यूब पर उसका वीडियो डाल दूंगा, और ये सर बहुत अमेंडमेंट्स है, नया वीडियो लू क्या, सर बहुत अमेंडमेंट्स है, नया बुक लू क्या, अरे किसने बोला बहुत अमेंडमेंट्स,
नहीं सर वो मेरा दोस्त का, सब कहते हैं। अरे तू मार्केट में सर सब कहते हैं, सब कहते हैं कि ये करना चाहिए। अरे सब जो कहते हैं ना वो सब पहले बार वाले पास नहीं हुए, सब लोग को भी अटेम्प्ट लगा हुआ है। सब लोग की क्षमता उतनी नहीं है जितनी आपकी क्षमता है पढ़ने की। सबका दिमाग आपके ऐसा नहीं होगा, आपका दिमाग बहुत शार्प है, खुद पे विश्वास है। ठीक है, अमेंडमेंट्स का डर कोई नहीं है, अमेंडमेंट यार क्यों फालतू पैसा वेस्ट करो, ज्यादा आगे मेरे स्विस बैंक में भेज दीजिए, बहुत जरूरत है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पे ही विश्वास नहीं भाई, खुद पे ही विश्वास नहीं। मैं फेल हूँ, हो ही नहीं रहा ऑडिट, हो ही नहीं रहा, मैं फेल हूँ, पक्का फेल हो ना। सी इफ यू बिलीव नेगेटिविटी योर एंटायर एनवायरमेंट विल बी नेगेटिव, इफ यू बिलीव इन पॉजिटिविटी द एंटायर एनवायरमेंट विल बी पॉजिटिव। हम जब एक हॉस्पिटल जाते हैं, होना नहीं चाहिए कभी हम हॉस्पिटल जाए, आपने देखा होगा कभी भाई बंधु घर पे किसी के भी, जब पेशेंट होता है डॉक्टर यही समझाता ना, स्माइल, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज वो हिम्मत देता है, वो हिम्मत देता है उस पेशेंट को भी। तो नर्स लोग हमेशा हंसते हुए क्यों होते, प्यार से क्यों बात करते, कोई चिल्लाता नहीं होता, क्यों? बिकॉज दैट्स पॉजिटिविटी। सो इफ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट अगर तुम इन चीजों को ध्यान ना दो तो पक्का फेल, पक्का फेल। अब जो हुआ सो हुआ। आधे लोग, अरे सर मैं पेपर मंगा रहा हूँ, मंगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, मेरे को मिस्टेक बता। अरे भैया उस टाइम पे जो आपने सोच के लिखा पेपर 3 घंटे में वो अलग था, और मेरे सामने मई 22 खड़ा, 80 दिन बचे खाली आज की डेट से, 80 दिन बचे मेरे पास, 80 डेज लेफ्ट, 8 सब्जेक्ट अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, आई डिड 10 डेज करेक्ट। अरे हो गया सो हो गया। अरे सर मेरे को 25 मार्क किया था, पूरा पेज भर, अरे ठीक है तूने क्या मिस्टेक की वो तो दिख रही है ना सामने, सामने बताओ ना मैं देखो मिस्टेक, ये है ना मिस्टेक। अब क्या होगा, वो पेपर का वेट करोगे, पेपर आएगा जैसे उसको प्रिंट आउट निकालोगे, डाउनलोड करके जो भी आप करोगे, फिर वो टीचर को भेजोगे, वो उसका रिप्लाई का जवाब देगा, पूरा एक दिन बर्बाद करोगे। ठीक है आधा घंटा निकाल के भेज देना, पर आप उस पर क्यों दोगे सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया। अरे हो गया हो गया, यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड देन वर्क अगेन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेट्स डू इट। मिड मार्च से रिविजन सेशन आने शुरू हो जाएंगे, बोथ लॉ के और ऑडिट के, और इकोनॉमिक लॉज आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ सेशन में लाइव लूंगा, बाकी रिकॉर्ड आ जाएगा मिड मार्च से। ठीक है, सो ध्यान रखिए बच्चों इन चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ ऑल दिस बाबास जो आपको ज्ञान दे रहे, आप खुद पे विश्वास रखिए आप कर पाएंगे। किसी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। रिविजन पूरे सिलेबस का आ जाएगा फॉर मई 22 एंड ग्रेजुअली थिंक नवंबर 22 का भी आई जाएगा, क्योंकि सेम ही है पूरा कंटेंट अभी तक। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए, आई एम देयर विद यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स एंड रिविजन सेशन। एंड जिस जो भी आपका कोई भाई बंधु जिसका रह गया जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में, वो कोई वीडियो भेज दीजिएगा सो दैट ही गेट चार्ज्ड अप एंड वो आपको दुआ जरूर देगा। अगर आपको पसंद आ गया होगा तो आप भी मुझे जरूर दुआ दीजिएगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय बोथ द ग्रुप्स, एम फॉर अ रैंक, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप एम फॉर 70+। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।